अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। आज हम इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जो सिलेबस हम पढ़ेंगे वो नेशनल बुक फाउंडेशन का है। इस बुक का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट का नाम है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ए से लेकर आई तक हैं, ऑलमोस्ट 9 बन जाते हैं। और ये क्वेश्चंस भी मैं रीड कर देती हूँ और इसके आंसर्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप इस यूनिट के वर्ड बैंक को नोट कर लें। इसमें 1 से लेके 32 तक वर्ड्स जो हैं वो लिखे गए हैं। नंबर 1 पे है रिफ्रेशिंग, चिरपिंग, स्पेल बाउंड, कामनेस, अटली, इमर्स्ड, स्पिरिचुअल, मार्गला हिल्स, इनक्रेडिबल, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेल्स, हाइकर, एनसर्कल्ड, ड्वेलर्स, अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोर, कैप्चर, पैनोरामिक, एक्सक्लेम्ड, एक्सपीरियंस, अफेक्शनेटली, एग्रीमेंट, ग्रेटिट्यूड, डेस्टिन्ड, प्रीज, फ्लॉक, बीस्टोड, क्रिएटर, इंटरप्टेड, रिलक्टेंटली, डिसेंडिंग एंड प्लीज्ड। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द टाइम एंड डे व्हेन द फैमिली ऑफ 3 वेंट फॉर हाइकिंग इन मार्गला हिल्स। द आंसर इज इट वाज सैटरडे मॉर्निंग व्हेन फैमिली ऑफ 3 वेंट फॉर हाइकिंग इन मार्गला हिल्स। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू नेम द प्लेस वेयर दे वेंट। आंसर, दे वर ऑन ट्रेल नंबर 5 इन मार्गला हिल्स, इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 3, इज दिस द ओनली प्लेस टू विजिट इन मार्गला हिल्स। आंसर, नो, देर इज ऑल्सो अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम एंड पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम अबव। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट प्रोवाइड सिटी ड्वेलर्स द अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन हेल्थ एंड फिटनेस। देर आर मैनी ट्रेल्स इन द हिल्स for hikers that provides city dwellers the opportunity to maintain health and fitness. Question number 5, what is meant by our purpose-built physique? Answer, it means a strong body designed for a particular use or purpose. Question number 6, why were they mesmerized and what made them start a conversation? Answer, they were sitting on a giant rock waiting for the sun to rise. The air was refreshing and chirping of birds was adding to the calmness. They all seemed to be mesmerized in a state of deep spiritual peace as the mighty Marga hills light up on incredible golden glow right in front of them. It made them start a conversation. Question number 7. What time of the year might this have been? Give reasons for your answer. Answer, it is a spring season. Number 1. There are beautiful purple and yellow wildflowers growing on hills. Number 2. Chirping of birds and cool breeze. Number 3, thick green wild vegetation. Question number 8, what were the thoughts of the father on the beauty of environment they were in? Answer, the father said all praises to Allah who has blessed us with this day to experience and recognize his countless blessings. Question number 9, how is our purpose-built physique a blessing for us? Think about it and give your answer with 3 reasons. Answer, point number 1,
Purpose-built physique is a gift of Allah. We have strong bodies. Number two, as well as we have intellect to live our lives purposefully. Number three, no money can buy it. On page number 11, we have our next task. Match the group of animals and birds given in column A with their respective name or collective noun given in column B. Column A ko humne B se match karna hai. किसी भी बर्ड और एनिमल के ग्रुप को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है. जैसे कि अगर हमारे पास एक एलिफेंट्स का ग्रुप है तो हम उसको कहेंगे अपरेट. इसी तरह से फिश के ग्रुप को हम मैच करेंगे अस्कूल के साथ, लॉयंस के ग्रुप को प्राइड के साथ, रैट्स को अपैक के साथ, आउल्स को अपार्लियामेंट के साथ, डॉग्स को अ कॉलोनी के साथ, ईगल्स को कॉनोकेशन के साथ एंड गीज को गैगल के साथ. नेक्स्ट टास्क जो है वो पेज नंबर 14 के ऊपर है. हमारे पास सबसे ऊपर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक गिवन एट द बॉटम ऑफ दिस नैरेटिव. हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. इन द अर्ली डेज फर्स्ट सो द सिटी, इन लेटर ईयर्स रिजल्टेंटली. हमने सेंटेंस की मुनासबत से इनको एडजस्ट करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है. डैश द सिटी वॉज नॉट एज क्राउडेड इट इज़ टूडे. फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हम पुट करेंगे फर्स्ट को ही. डैश देयर वॉज वन ट्रैफिक लाइट ऑन द मेन रोड एंड द ट्रैफिक वॉज रेगुलेटेड वेल. सेकेंड में लगाएंगे इन द अर्ली डेज. इसके बाद थर्ड है डैश एज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ग्रू दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड. इसमें हम पुट करेंगे इन लेटर ईयर्स को. नंबर फोर डैश ट्रैफिक जैम हैड बिकम अ रेगुलर फीचर ऑन द मेन रोड. इसमें आएगा रिजल्टेंटली. और लास्ट में हम पुट करेंगे सो द सिटी को. सो द सिटी नीडेड मोर ट्रैफिक लाइट टू कीप द ट्रैफिक स्मूथ. स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने चार कॉलम्स जो हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, उनको फिल करना है, जिसमें वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं, एडवर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं. वर्ब जो होता है वो किसी भी काम को हम कहते हैं, जो भी कोई काम हमारी लाइफ में हो रहा होता है, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना या कोई भी इससे रिलेटेड काम जो है उनको हम वर्ब्स कहते हैं. इसके बाद नाउन्स जो हैं वो किसी भी थिंग, प्लेस और पर्सन के नेम को कहते हैं. एडवर्ब्स जो हैं इसको हम उर्दू में जर्व कहते हैं, मतलब कोई काम जो है वो किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, उसकी नोयत क्या थी. और इसके बाद जो एडजेक्टिव्स हैं उसमें किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान किया जाता है, जिसको उर्दू में हम इसम सिफ्त भी कहते हैं. तो हमारे पास ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमने सेलेक्ट करके इन चारों कॉलम्स को जो है वो फिल करना है. तो वर्ब्स में हम पुट करेंगे चर्क को, हाइक, मेंटेन, डिसेंड एंड स्टम्बलिंग. इसके बाद नाउन्स में सीरेनिटी, लैंडस्केप, फैमिली, पेरिस, ट्रेल एंड फ्रेंड्स को फिल करेंगे. इसके बाद एडवर्ब्स में हमारे पास आएगा एक्टिवली, एंक्शियसली, नोइंगली, पेयरली, क्वाइटली एंड फ्रेंडली. और इसी तरह से एडजेक्टिव्स में हम लिखेंगे मेसमराइज्ड, हिली, ग्रेसफुल, गिगेंटिक, रिफ्रेशिंग एंड डेलिशियस को. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारा पेज नंबर 15 पे है. Understanding meaning of suffixes and their usage. अच्छा, suffix क्या होता है, जिसको हम उर्दू में लाहका भी कहते हैं, जो किसी भी word के आखिर पे लगा के उसका meaning जो है वो totally change कर देता है. जैसे कि उसने एक example दी हुई है हमारे पास beautiful की. इसमें जो full है वो एक suffix है, यानी कि जिसने beauty के साथ full का word add करने के बाद उसका meaning ही change कर दिया है. इसी तरह हमारे पास कुछ common suffixes जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि able है, full है, less है, ly है, meant है, ist है, ness है, est है, er है और y है. इनके साथ में meanings जो हैं वो mention किए गए हैं. और c column में उसने हमें कहा है कि fill करें, कुछ उसने दिए हुए हैं, इसके साथ जो है वो हमने एक एक जो है वो और बनाना है. सबसे पहले हमारे पास applicable है, और हमने खुद से वर्ड कोई ऐसा सोचना है जिसके एंड पे एबल आता हो. वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सेप्टेबल लिखा है. इसी तरह थैंकफुल के बाद मीनिंगफुल, फिर लेस के लिए हमने हार्मलेस बनाया है और पेनलेस भी आ सकता है इसके साथ. एलवाई को जेन में रखते हुए क्वाइटली, फ्रेंडली. मेंट के लिए इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट. आईएसटी के लिए
टूरिस्ट और साइंटिस्ट, नेस के लिए कामनेस और ट्रूथफुलनेस, ईएसटी के लिए बिगेस्ट हाईएस्ट, ईआर के लिए इजियर हैप्पियर और वाई के लिए डर्टी और वर्दी, ये वर्ड्स हैं। इसी तरह एक टास्क नीचे भी दिया गया है जिसमें एक पैराग्राफ हमारे पास है और उसमें से हमने इसी तरह से कुछ मीनिंगफुल जो सफिक्सेस हैं वो चूज़ करने हैं, उनको अंडरलाइन करना है। इसको हम रीड आउट करते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ बोटैनिस्ट टू ग्रो योर ओन फूड। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो बोटैनिस्ट है वो आईएसटी के साथ लगने की वजह से एक सफिक्स को मिलाने से एक वर्ड बना है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद सेकंड लाइन में द वार्मेस्ट टाइम ऑफ ईयर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग सम सीड्स व्हाइल अदर्स कैन ओनली ग्रो व्हेन प्लांटेड ड्यूरिंग कोल्डर टाइम्स। इसमें हमारे पास दो सफिक्सेस मिल जाते हैं, एक वार्मेस्ट है और एक कोल्डर है। इसके बाद थर्ड सेंटेंस में सम प्लांट्स लाइक टोमेटोज बिकम ड्रूपी। अब ड्रूपी जो है ये ड्रूप से वाई लगाने के बाद एक और जो एक नया सफिक्स मिलाने से वर्ड बना है, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। If you don't water them daily, you must make sure the soil has just the right amount of wetness. अब देखें ये नेस भी हमने ऊपर सफिक्सेस में पढ़ा है तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। For each type of plants, gardening can be difficult, but the right knowledge can make it easier. Last sentence में हमारे पास जो एक वर्ड हमें मिलता है सफिक्स के लिए वो है easier. Now come to the page number 16. We have the question number 4, understanding and using preposition at right places. Preposition ki definition hum sabse pehle padhenge. A preposition is a word which expresses relationship of a noun or a pronoun to other words of the sentence. Preposition kya hoti hai? Ye kisi bhi jumle ko ek dusre ke saath milane ke liye, jodne ke liye, jaise kisi वर्ब को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, सबको मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि उर्दू में अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो का, के, की, को, उन, तक, में, पर, ये आ जाता है। और इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होते हैं प्रपोजिशन के लिए वो है इन, ऑफ, टू, बाय, फॉर, विद, और ये काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स उससे यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। इस तरह काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं और नीचे एग्जांपल हमारे पास दी गई है एक एप्पल की और उसने मेंशन भी किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है वैसे तो उसने प्रपोजिशन के वर्ड्स को। यहाँ से देख के हम इनको अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर फिल कर लेंगे, ये टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नीचे हमारे पास रिवीजन पंक्चुएशन, रिवाइजिंग पंक्चुएशन दी गई है और पंक्चुएशन जो है उसमें जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं उसमें एक तो होता है कि कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल, कॉमास का, फुल स्टॉप हैं, एपोस्ट्रॉफ हैं, कोटेशंस हैं, मार्क्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पे उसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से हमने देखना है कि किस तरह से पंक्चुएट करना है। सबसे पहले हमारे पास है दिस बॉयज़ बाइसिकल इज़ एन एफिशिएंट मशीन। अब देखें कि दिस का जो टी है वो हमारे पास स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम इसको करेक्ट करेंगे और टी को कैपिटल करेंगे। इसके बाद दिस बॉयज़, अब ये एपोस्ट्रॉफ आ जाता है जो कि किसी भी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करता है, जैसे कि बताया जा रहा है कि इस लड़के की बाइसिकल है तो हम बॉय के ऊपर कॉमा लगा के इसको बॉय इस बाइसिकल इज़ एन एफिशिएंट मशीन करके इसको दुरुस्त कर देंगे, एपोस्ट्रॉफ का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। और सेकंड में उमर के ओ को हम कैपिटल करेंगे, लिव्स इन द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द सिटी, और बाकी का सेंटेंस जो है वो इसमें दुरुस्त है। फुल स्टॉप नहीं लगे हुए थे वो मैंने लगाए हैं, ये भी आपने लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फबीहा नाम है, इसका एफ जो है वो आपने हर मदर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। व्हाट शी वाज कुकिंग, क्योंकि वो दो बातों का जिक्र कर रहा है कि फबीहा ने अपनी मदर से पूछा व्हाट शी वाज कुकिंग फॉर डिनर टुनाइट, कि वो आज खाने में क्या बना रही है। आगे क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद फोर्थ में प्लीज़ का पी कैपिटल करें, अटेंड योर स्कूल इन टाइडी यूनिफॉर्म, पॉलिश शूज एंड कॉम्ब्ड हेयर, इसमें काफ़ी सारी बातों का जिक्र किया गया है कि अपने स्कूल को अटेंड करें साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म के साथ, पॉलिश जूते हों और कॉम्ब हेयर हों, तो इसमें हम कॉमा लगाएंगे। इन टाइडी यूनिफॉर्म के बाद कॉमा लगाएंगे, पॉलिश शूज़ एंड कॉम्ब्ड हेयर। लास्ट इज व्हाट एन ऑसम हिट, व्हाट का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल करें और हिट के बाद, चूँकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यानी कि खुशी का या गम का जब इजहार होता है तो वहाँ पर हम ये एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड, ज़ैन, विद जॉय, और एंड पे जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे।
स्टूडेंट्स, पेज नंबर 19 पे हमारे पास कुछ ईडियम्स हैं और उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं जिनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ईडियम एक्चुअली मुहावरात होते हैं जिनको हम उर्दू में कहते हैं, जैसे कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, या इस तरह के और बहुत सारे मुहावरात आपने उर्दू में पढ़े होंगे। तो इंग्लिश में भी हमारे पास दिए हुए हैं जिनके सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ईडियम है वो है टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिसका मीनिंग है टू रिफ्लेक्ट ऑन द गुड थिंग्स इन वन्स लाइफ एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम, किसी चीज़ का शुक्रगुजार होना। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर जॉब एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी जॉब के लिए शिकायत करना बंद करें या ना शुक्रापन छोड़ें और अपनी तमाम ब्लेसिंग्स जो हैं अल्लाह ने आपको दी हैं उनको गिनना स्टार्ट करें। नंबर टू पे है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, डिसगाइज। सेकेंड है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, द मीनिंग इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट लीड्स टू अनफोर्सीन पॉजिटिव आउटकम, कुछ ऐसी सिचुएशन होना जो हमें पहले तो नेगेटिव लग रही होती है लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका सेंटेंस है मिसिंग दैट प्लेन टर्नड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज आई गॉट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली। नंबर थ्री, बी अ मिक्सड ब्लेसिंग, द मीनिंग इज़ टू हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, द लास्ट डे ऑफ स्कूल इज़ ऑलवेज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, मिली जुली कैफियत का होना। नंबर फोर पे है थैंकफुल फॉर द स्मॉल ब्लेसिंग्स, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में उनके लिए भी शुक्र अदा करना। इसका मीनिंग है ग्रेटफुल फॉर स्मॉल बेनिफिट्स वन हैज़ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, शी वॉज नॉट बैडली हर्ट इन द एक्सीडेंट सो वी आर थैंकफुल फॉर स्मॉल ब्लेसिंग्स। नंबर फाइव पे है विद माई ब्लेसिंग, द मीनिंग इज़ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट और एग्रीमेंट्स। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, आई टोल्ड देम दे कुड गो सेट अप देयर ओन कंपनी विद माई ब्लेसिंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइज से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी और इनको आप रिवाइज भी करें, डेली की बेसिस पे याद करें, क्वारंटीन के दिनों में लाजमी घर पर भी पढ़ें और अपनी तालीम को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच।